नहीं गॉब्लिन, एंड उन्हीं के साथ में एक और प्लेयर जो कि पड़ चुके इस कंपाउंड के ऊपर, पूरा का पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं। गॉब्लिन के हाथ में एक अच्छा खासा नेड है, वहीं पे प्लेयर 3 के पास एक M249 देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा नेड यहाँ पे जाता है, लेकिन डैमेज उतना अच्छा बनेगा नहीं। गॉब्लिन जस्ट ट्राई करे कि नेड के द्वारा टेक डाउन कर दिया जाए, फिर एग्रेसिवली वो पुश कर सकते हैं, लेकिन पीछे से बाकी के प्लेयर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। टीम सोल का पूरा बैक 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 की तरफ से जो कवर चाहिए था वो कवर आ चुका है, लेकिन एनकोर जिनसे अभी टीम सोल को संभल के रहना है, क्योंकि वो पीछे हैंड सरदार जी उनका कवर अगर आ गया बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी टीम सोल को, क्योंकि अगर थोड़े भी प्लेयर ओपनली गए तो एनकोर यहाँ पे बहुत बढ़िया कवर प्रोवाइड करवाने वाले। ओ गॉब्लिन के ऊपर स्प्रेस काफी बढ़िया गई थी, एचपी देखिए कितनी ज्यादा ड्रेन की गई, बट वो ग्रेनेड क्या कनेक्शन ढूंढ पाएगी। प्लेयर 3 विद M249 आगे बढ़ना चाहेंगे, एंड ये एक बड़ा वेपन है, बट क्लोज रेंज के अंदर थोड़ा सा लैग करता है बिकॉज ऑफ द फायर रेट। प्लेयर 3 यहां पे रेकनिंग के रेकनिंग के प्लेयर 3 यहां पे आर्यन रोस्टर को टेक डाउन कर देंगे। रेवेनेंट की बात करेंगे तो वो यहां पे प्लेयर्स को स्पॉट जरूर कर रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कवर टू कवर फाइट करने की। गॉब्लिन की वो दलजीत को टेक डाउन करेंगे, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट जहां से गॉब्लिन कोशिश करेंगे पुश करने का। एक मोलोटोव आएगी, बट मोलोटोव के ऊपर से निकल जाएंगे गॉब्लिन, पूरे तरीके से कंफर्मेशन आ जाएगी साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, बट इनके ऊपर भी ग्रेनेड्स की कनेक्शन आती दिख रही है, बट बाल बाल बच गए। गॉब्लिन यहां पर स्नैक्स को टेक डाउन कर देंगे आगे बढ़ते फियर्स के साथ, अब यहां पर पाला पड़ने वाला है, एंड बी ले जाएंगे ओमेगा एक्चुअली जो कि पीछे से कवर दे रहे थे। एक्सो के साथ इस फाइट के अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, सोल एक पे को गवाया जरूर है, बट स्टिल यहां पर कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा फिनिशेस बटोरने का, एंड ग्रेनेड टॉस कर रहे हैं, देखते हैं क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगी या नहीं, बिकॉज स्मोक के अंदर कुछ रैंडम ग्रेनेड्स कई बार बहुत तगड़ा कनेक्शन ढूंढ देती है, कई बार नॉकडाउन कर देती है और कई बार इतना डैमेज देती है कि जब प्लेयर बाहर निकले तो उनके ऊपर बड़े आराम से स्प्रे ग्रेनेड की जा सके, पंखों के ऊपर वो डैमेज जाएगी ग्रेनेड की। गॉब्लिन एक अलग एंगल पे आ चुके हैं, पोजीशन चेंज की जा रही है यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से, अलग अलग एंगल से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स को टेक डाउन करने का। आदित्य सेल्सियस प्लेयर 5 को ले जाएंगे, अक्षत की तरफ से अभी फियर्स को कंफर्म कर दिया जाएगा। गॉब्लिन इज गोइंग फॉर द आई वुड से बूस्टर्स, कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा हील अप रहे। सर्कल के बाहर रेकनिंग के प्लेयर 3 टेक डाउन लेंगे। As I always say, circle is a mutual enemy for everyone. Circle को respect करना पड़ेगा, वरना circle take down कर देता है। Sensei, the man, इनका दिमाग जितना चलता है उतना किसी का नहीं चलता है कहीं ना कहीं, एंड अगर ये ग्रेनेड परफेक्ट कनेक्शन ढूंढ गया तो दो प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन चलिए दोनों प्लेयर्स को डैमेज मिलेगा। सेंसे इकलौते हैं तो उनका बचपना वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। एक 1v1 के लिए जाएंगे, अक्षत के द्वारा उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। 6 फिनिशेस टीम सोल के पास आ जाते हैं विथ कॉस्ट है, एक प्लेयर को गवाया है उन्होंने भी, लेकिन थोड़ी सी याद मेरे को एक तक अपने आप को कवर कर पाएंगे। सही हम जस्ट ट्राई करें फुल सक्सेस के साथ किसी न किसी प्लेयर को स्पॉट करने की। अक्षत के द्वारा एक नेड जाता है जो कि लेके जाएगा आर स्पोर्ट्स के रॉकस्टार को काफी बड़े तरीके से। छोटू की भी एचपी काफी ज्यादा ड्रेन कर दी जाती है, रॉकस्टार को यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाता है अक्षत के द्वारा। डायरेक्टली अंदर जाने की ट्राई चल रही है, डायरेक्टली अंदर भी जाएंगे, पीछे की तरह साइड एक प्लेयर हैंड उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे। अक्षत जाएंगे कुछ एरिया जो इनको क्रॉस करना है, एंड वो एरिया क्रॉस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है। अभी के लिए वो 170 नहीं है, बहुत ज्यादा हो चुका है। अक्षत के साथ एक 1v1 रहेगा, ये बहुत ज्यादा घुमा दिया था अक्षत को यहाँ पे इन्होंने, एंड मेनवाइज अक्षत को भी बाहर कर दिया जाएगा। गॉब्लिन नाउ सोलो का सर्वाइवल फ्रॉम हिस्ट्री इकलौता ये प्लेयर रहेगा, सामने की तरफ से डायरेक्ट हेड चेस होने वाला, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये मोलोटोव काफी ज्यादा कनेक्शन निकालेगी, इवन तो काफी ज्यादा हेल्प करके जाएगी टीम को और उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। वो आर प्लेयर 300 बहुत ही कम एचपी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है और उनको टेक डाउन करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन गॉब्लिन ऐसे मत घुसिए। सामने वो प्लेयर प्रोन डाउन है, बाहर निकलने की ट्राई करेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। आपके सामने